हेलो बच्चों, मैं आपका प्रभात सर फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जाने थे कि विद्युत धारा किसके कारण होती है, किसको हम विद्युत धारा समझ सकते हैं, किसको क्या चीज़ देखकर ये समझ सकते हैं कि ये विद्युत धारा है। तो हम लोग बात किए थे कॉन्सेप्ट पे, जिसको हमने क्या बोला था, इसे हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन की, कि विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या है, जो शायद पिछली मैंने बोला भी था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं हम लोग उसमें क्या होती है। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप लोग इसको जो सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं कीजिए, उस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर एक्टिवेट बटन भी दबा लें, फिर आप जो फिर कोई नया वीडियो आवे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात फिर मैं कहता हूँ, जो भी इस लॉकडाउन में परेशान है फाइनेंशियली, वो लोग जुड़े और आप लोगों को भी कहें, जो नहीं जान रहे उनको बोलिए कि जुड़े और शायद आपको अच्छे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विद्युत धारा का परिभाषा हम कैसे समझ सकते हैं। और मैंने क्या समझाया था कि परिभाषा मतलब किसी का फॉर्मूला, किसी का सूत्र, किसी का एक गणितीय समीकरण, जिसके मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज है कितनी, उसकी मात्रा कितनी है। कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्सेप्ट क्या था कि विद्युत धारा जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट था कि आवेश का प्रवाह एक विद्युत धारा है, चाहे वो आवेश ऋणात्मक हो या चाहे वो आवेश धनात्मक हो। फिर मैंने क्या बोला था, धन आवेश मतलब प्रोटॉन की चर्चा होगी, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी। फिर क्या बात हुई थी कि प्रोटॉन तो है वो आपके लिए क्या रहता है, नाभिक में रहता है परमाणु के, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहता है। तो अब बात है कि आसानी पूर्वक कौन मिल सकता है, तो बात हुई थी आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आसानी पूर्वक जो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, जिस पदार्थ में ये ऐसे मिल जाएंगे मुक्त अवस्था में, जो इधर से उधर चल सके, तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक मुझे मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक। जहां नहीं मिलते उसे कहते हैं अचालक, और जिसमें मामूली मात्रा में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। सिंपल सी बात थी कि जहां आसानी से मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए जे वो हमें, तो क्या होगा, वो चालक कहलाएगा। अब चलते हैं अब इस बात को ध्यान से देखकर कि आपके लिए, कि चलो आज हम परिभाषा की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आप लिखते हैं विद्युत धारा का परिभाषा। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर अब परिभाषा हम बनाएंगे। हमारे फिजिक्स में खास तौर से जब हम किसी चीज की प्रवाह की बात करते हैं, यानी जब मोशन की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम कभी मोशन की बात, प्रवाह की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो वहां समय का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे तुम चलते हो, जैसे तुम चले और यहां से यहां पहुंचे, मान लो तुम यहां से चले, ये है समस्तीपुर, आप यहां से चले, अब ये समस्तीपुर से आप चले और गए, मान लो कहीं पर भी चले गए पटना, तो आपने यहां से यहां जब गया तो ये दूरी तय की, जब दूरी तय की तो आपको यहां से यहां जाने में समय भी तो लगा होगा। तो आप, अच्छा, एक ही आदमी, अब मान लो एक दूसरा आदमी चला, उसको यहां से, इस आदमी को, पहला आदमी को यहां से यहां जाने में एक घंटा लगा, लेकिन एक दूसरे आदमी को समस्तीपुर से पटना जाने में 5 घंटा लगा। अब खुद सोच के देखो, दूरी तो दोनों के लिए समान है, ये आदमी जब यहां से पटना गया तो भी दूरी उतनी ही होगी, समस्तीपुर से ये आदमी गया उसके लिए भी, मान लो कि पटना की दूरी एक ही सड़क से गया, सड़क एक ही है, अलग अलग सड़क नहीं है, सड़क एक ही है, और एक ही सड़क से एक आदमी समस्तीपुर से पटना गया जिसको समय लग गया 1 घंटा, उसी सड़क से दूसरे आदमी समस्तीपुर से पटना गया जिसको लग गया 5 घंटा। अब इससे क्या फील कर सकते हो, सड़क तो वही है, फिर समय क्यों अलग अलग लग गया, इसका मतलब है कि क्या है, इसका मतलब इसको एक ही घंटा में ये यहां से यहां चला, यानी इसकी रफ्तार ज्यादा है, यानी इसकी गति जो है, इसकी चाल जो है, इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार ज्यादा है, और इसकी रफ्तार कम है क्योंकि ये ज्यादा समय लेता है। तो बता दो
कोई चीज कितना तेजी से चल रही है ये किस आधार पे जानकारी आपको मिली? समय के आधार पर, कि समय कहां कम लगा। अगर समय वहीं ज्यादा लगा इसका मतलब उसकी रफ्तार कम है, और जब समय हमारे पास कम लग गए इसका मतलब उसकी रफ्तार ज्यादा है। यानी रफ्तार यानी गति यानी मोशन कब हम डिस्कस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, किसको लेकर हम समझेंगे कि रफ्तार ज्यादा है या कम है, तो वो कौन है? वो है समय। समय की बात करके, टाइम की बात करके हम ऐसा सोच सकते हैं। तो अब बताओ कि मेरे पास विद्युत धारा में भी क्या है प्रवाह, विद्युत धारा क्या था कॉन्सेप्ट? आवेश का प्रवाह, यानी आवेश को चलना है। यानी आवेश जब चलेगी तो उसमें भी तो रफ्तार होगी। जब रफ्तार होगी तो फिर हम किसकी बात करेंगे? समय की बात करेंगे ऑब्वियसली। यानी जब भी हम डिफिनेशन लिखेंगे विद्युत धारा का तो उसमें समय की चर्चा जरूर होगी। अब क्यों होगी समय की चर्चा, ये बात तो आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब देखो मेरे पास, तो समय की अब चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आपको क्या चाहिए विद्युत धारा के लिए? आवेश चाहिए। तो आवेश का जब हमें प्रवाह चाहिए तो आप सोच के देखो कि जब हम आवेश की प्रवाह करें तो आवेश तो चाहिए, तो आवेश के लिए आपको कौन चाहिए? चालक चाहिए कि अचालक चाहिए, कि आपको से आपके लिए क्या अर्धचालक चाहिए? तो इसलिए हमको चालक चाहिए। चालक इसलिए चाहिए कि हमको आसानी पूर्वक मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं जो इधर से उधर चल सकते हैं। तो अब हम कल्पना करते हैं, आप देखो मेरे पास अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एक मुझे आवेश मिला चाहिए, तो आवेश के लिए मुझे चालक चाहिए। दूसरा, वो आवेश जब चलेगा तो मुझे रफ्तार चाहिए, तो उस रफ्तार को हम जानने के लिए किसकी बात करेंगे? समय की। यानी जब भी हम विद्युत धारा की चर्चा करेंगे तो हमको दो चीजें जरूरी है। एक क्या जरूरी है? आवेश, और दूसरा उसका रफ्तार। रफ्तार मतलब कौन चीज? समय। तो वह दो चीजों यहां पे, तो यानी परिभाषा में कौन कौन चीज मिलेगा? आवेश की जिक्र मिलेगी, आवेश का उसमें जिक्र होगा और समय का जिक्र होगा। तो चलो अब हम लोग अपने मन से परिभाषा, अपने मन से नहीं परिभाषा बनाते हैं सब लोग मिलकर, आप समझकर चले ना। अब आप देखो इस चीज को, तो अगर मेरे पास आप देख कि मैंने एक चालक लेने की कोशिश करूंगा। अब देखो इस बात को, मान लो कि मैंने एक कोई चालक लिया, चलो चालक ले लिया। अभी चालक मैंने लिया, आप बता चालक तो कुछ बेलनाकार इस तरह से तार होती है। अब जैसे इस पेन को ही देखो, ये एक बेलनाकार है। अब इसकी जो ये जो है ये पार्ट, ये जो आप देखते हो इसको, ये मोटाई इसकी, तो इसको हम मोटाई भी कह सकते हैं कि चलो इस पेन की ये मोटाई है। इसी प्रकार मान लो कोई भी तार लेंगे हम, कोई भी चालक तार लेंगे, तो उसकी तो मोटाई कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो इस मोटाई का नाम हम लोग क्या बोलेंगे? मोटाई ना बोल करके हम उसे क्या कहेंगे? तो यही ना इसकी मोटाई हुई। तो इस मोटाई को हम मोटाई नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बच्चों क्या बोलेंगे आप इस चालक तार की? ये जो मेरे पास है चालक तार, तो आप ध्यान से देखो क्या इस चालक तार की हम इसको क्या बोल सकते हैं? मोटाई। अब मोटाई नहीं बोलकर हम भी क्या बोल सकते हैं इसको? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसे क्या बोल सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर से देखो, मैंने एक चालक तार लिया। अब इस चालक तार में आपके लिए क्या है? इस चालक तार का देखो ये कौन चीज है? मोटाई। अब बता, जब अगर मान लो कि इससे विद्युत धारा ऐसे चल रही है, अगर इसमें विद्युत धारा गया, मान लो इसमें विद्युत धारा गया, तो बता इसके जैसे ही ये विद्युत धारा जाएगी और इससे बाहर निकलेगी आए विद्युत धारा, तो अब खुद आप सोच के देख कि जब मैं विद्युत धारा की बात करूं, तो ध्यान से देख, जब विद्युत धारा इस चालक तार से बह रही है इसका मतलब इसके अंदर कौन चल रहा है? आवेश चल रहा है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं कि विद्युत धारा इससे गुजर रही है, अब ध्यान से सुन, मैं बात कर रहा हूं कि चालक तार से विद्युत धारा गुजर रही है, लेकिन वास्तव में विद्युत धारा नहीं, कौन अंदर चालक तार के अंदर कौन चल रहा है? आवेश चल रहा है। अब बता मुझे, इस चालक तार को यहां से गुजरने में उसको सॉरी इस चालक तार से आवेश को यहां से यहां गुजरने में कुछ तो कुछ समय लगाना होगा,
या नहीं लगाओ। हो सकता है कि इसको ज्यादा समय लग जाए, किसी को कम, तो समय का ज्यादा लगना या कम लगना वो किस चीज को दर्शाएगा, उसके रफ्तार को, कि आवेश कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से मूवमेंट हो रही है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है कितना ज्यादा अमाउंट में, कितना ज्यादा मात्रा में आवेश एक सेकंड में क्रॉस कर रहा है। मान लो मेरे पास, आप थोड़ा ध्यान से देख, मेरे पास एक पॉइंट है यहां। अब इस पॉइंट से एक सेकंड में कोई 10 लोग इसे गुजर रहा है। अब मान लो इसी पॉइंट पर एक सेकंड में 50 लोग यहां से गुजर रहा है, तो आप क्या कह सकते कि यहां एक सेकंड में 10 ही लोग गुजरा इस पॉइंट से, जबकि एक सेकंड में इस पॉइंट से 50 लोग गुजरा। यानी कहां पे रफ्तार ज्यादा है, कि यानी वो रफ्तार लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा वहां उस पॉइंट से गुजर रही है, यानी उसकी अमाउंट ज्यादा ज्यादा से ज्यादा गुजर रही है। तो अब बता मुझे, मैं कहूं कि विद्युत धारा इसमें प्रवेश करी और इधर ले, तो जब हम कहते हैं कि चालक तार से विद्युत धारा गुजर रही है, लेकिन वास्तव में चालक तार से कौन गुजर रहा होता है, तो आवेश। तो अब यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक हम जाएंगे, तो बता दो वास्तव में धारा किस पर निर्भर करेगी, आवेश पर, आवेश के प्रवाह पर, आवेश के कौन चीज, तो उसके अमाउंट पर, कि कितना ज्यादा से ज्यादा। अच्छा बताओ कब, अच्छा नदी में पानी जब कम जाती है तो उसकी रफ्तार भी कम रहती है, कभी देखे हो ऐसा, जब उसी नदी में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है बाढ़ के समय में तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो बता, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जब करंट कब फील होगा, विद्युत धारा कब ज्यादा फील होगा, जब ज्यादा से ज्यादा आवेश चलेंगे। यानी विद्युत धारा आपको कब ज्यादा से ज्यादा मिलने वाली है, जब ज्यादा से ज्यादा आवेश चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक चल रहा है, दो चल रहा है, नहीं, आपको ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा आवेश वह चलेंगे चालक तार से होकर, हमें विद्युत धारा उतनी ज्यादा मिलेगी। तो अब बता मुझे, तो मुझे क्या है कि देखा ध्यान से, अच्छे ढंग से देख ले, चाहेगा तो आप लिख भी सकते हैं इसको पॉज कट करके, लेकिन आप देखो कि एक चालक तार है, इस चालक तार से विद्युत धारा गई और बाहर निकली, लेकिन चालक तार के अंदर कौन चल रहा है, आवेश चल रहा है। अब ये आवेश चल रहा है, अब देखा इसकी, ये चालक तार की क्या है, मोटाई है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, और ये उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। हम लोग अब सही से इसको सजा करके डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब हम अगर विद्युत धारा का परिभाषा लिखने की कोशिश करें, तो आप मुझे क्या करना होगा, क्या उसमें क्या क्या चीज हमको आप डालना होगा, आवेश का। हम जब कहेंगे विद्युत धारा चालक तार से चल रही है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि विद्युत धारा चालक तार से चल रही है, लेकिन वास्तव में चालक तार से कौन चल रहा है, आवेश चल रहा है। तो अब देखो विद्युत धारा का परिभाषा क्या लिखते हैं, कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश का परिमाण ही विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है, या विद्युत धारा कहलाता है। अब देख, मैंने क्या लिखा कि विद्युत धारा का परिभाषा, तो बता, मैंने अभी तक समझाया कि विद्युत धारा का जब हम परिभाषा की चर्चा करेंगे, ये बात हम जरूर बोलेंगे कि अरे चलो चालक तार से विद्युत धारा बह रही है, लेकिन वास्तव में विद्युत धारा चालक तार के अंदर कौन बह रहा है, आवेश बह रहा है। तो हम जब परिभाषा लिखेंगे विद्युत धारा का, तो उसमें किसकी चर्चा करेंगे, आवेश की चर्चा करेंगे।
और वो रफ्तार से जा रही है। अच्छा बताओ, जब रफ्तार ज्यादा हो तो एक सेकंड में एक जगह से ज्यादा लोग गुजर सकते हैं, तो उसकी रफ्तार की जब बात होगी तो किसकी चर्चा होगी? समय की चर्चा होगी। तो आप अच्छे से देखो कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड समय की चर्चा हुई। गुजरने वाला, अच्छा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है उसका, मोटाई। प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश, कुल आवेश का परिमाण ही क्या कहलाता है? देखो आवेश का परिमाण, आवेश की चर्चा ही विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम आप ये सोच सकते हो कि सर आपने चालक तार की, अच्छा आवेश तो चर्चा हो रही है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि आवेश चलेगा तो विद्युत धारा होगी, समय मुझे रफ्तार बताएगा, लेकिन अब बात यह उठ रही है कि इसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की चर्चा क्यों हुई? एक बात बता तुम लोग, या एक बात को आप लोग सोचो इस तरह से कि अगर पाइप अगर पतला है, अगर उसकी मोटाई पतली है, अगर इस पाइप की मोटाई पतली है, उसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो क्या उससे कम पानी निकलेंगे कि ज्यादा पानी निकलेंगे? कम पानी निकलेगा एक सेकंड में, लेकिन जब उसकी हम मोटाई बढ़ा दे तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकलेगा। तो बता आपने क्या बढ़ा दिया, उसकी मोटाई, यानी क्या बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जब आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो बता, जब पाइप की जब हम मोटाई बढ़ा दिए, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिए, यानी ज्यादा पानी उससे बाहर निकल सकती है। ठीक उसी तरह जब चालक तार को हम मोटा कर देंगे, यानी उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, तो उसमें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आवेश बाहर प्रवाह कर सकता है उससे होकर। तो बता इसमें मैंने तीन चीज मेंशन किया है। चालक तार तो क्यों किया मेंशन? चालक तार इसलिए किया कि आसानी पूर्वक वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। उसका मैंने मोटाई की चर्चा किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया कि यहां पर हम जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश हमको बह सकता है, उससे निकल सकता है, आर पार कर सकता है। अब देखो, अब समय की चर्चा इसलिए हुई कि मैं रफ्तार की चर्चा करूंगा। अब अगर मान ले कि तुम्हारे पास, अब देखो रफ्तार क्यों वैल्यू रखता है, सो अब देख घर में आप तुम एक एग्जांपल देख सकते हो। अगर पूरी पानी की टंकी भरी हुई है पानी से, नल को खोलो और उसके नीचे एक बाल्टी रखो और आप घड़ी देखो कि बाल्टी कितने देर में भर गई। अब देखना, नल खोलना तो तेजी से पानी आएगी, यानी रफ्तार से पानी आएगी, वो जल्दी बाल्टी को भर देगा। लेकिन जब वही टंकी जब आधा से ज्यादा खाली हो जाता है, तब जाके आप नल खोलो और उसके सामने बाल्टी रखो, तो देखना पानी भी धीरे धीरे गिरती है, उसकी रफ्तार कम जाती है, वो ज्यादा समय लेता है कि कम समय भरने में बाल्टी को? ज्यादा समय लेता है। तो आपके पास रफ्तार कब ज्यादा है? जब आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी थी वहां भरे थी, यानी रफ्तार जो है, रफ्तार की मदद से भी, रफ्तार जहां ज्यादा था जब टंकी भरी हुई थी पूरी, तो वह ज्यादा से ज्यादा पानी को निकाल रहा था, तब तो जल्दी पानी भर गया, बाल्टी भर गया पानी से। लेकिन जब वही रफ्तार कम थी पानी की, तो ज्यादा समय लिया उस बाल्टी को भरने में। इसलिए रफ्तार इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और रफ्तार को समझने के लिए, अच्छा बताओ कैसे समझे कि ज्यादा रफ्तार थी, ज्यादा पानी मुझे मिला कम समय में? जब समय को देखा, जब रफ्तार ज्यादा थी तो कम समय में बाल्टी भर गया पानी का, लेकिन फिर देखा कि जब रफ्तार कम थी तो ज्यादा समय ले लिया बाल्टी को भरने में। यानी यहां पर हम फिर देखो समय की बात हो रही है, कम समय लगा इसका मतलब रफ्तार ज्यादा था, पानी ज्यादा आ रही थी, और आपके पास जब ज्यादा समय लगा मतलब रफ्तार कम थी, पानी कम हम जमा हो रहे थे। तो बता तो हम कि तो समय जरूरी था, तो बता मेरे पास विद्युत धारा का परिभाषा को लिखने के लिए मुझे कितनी चीज की जरूरत? एक चालक तार की जरूरत, क्योंकि आसानी से आवेश मिल जाएंगे मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा उसकी मोटाई की जरूरत, अगर उसकी मोटाई अगर ज्यादा है तो ज्यादा मुझे आवेश मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। आप दूसरा तीसरी बात, मुझे किसकी चर्चा आपके लिए मिल रही है? तो प्रति सेकंड की, मतलब समय की रफ, और समय मुझे रफ्तार बताएगा कि कितना तेजी से कितना ज्यादा अमाउंट में आवेश मिल रहा है मुझे, कम समय में कितना ज्यादा आवेश मुझे मिल रहा है। गुजरने वाला कुल आवेश का परिमाण विद्युत धारा के लिए आपके लिए कहलाता। अब इसी चीज को, ये तो मुझे एक भाषा हुआ, अब इसको गणित के रूप में, मुझे इसी शब्दों को गणित के में व्यक्त करना। अब उसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक बात करता हूं, उसको अब देखो।
आप इसको पहले पॉज कर लो और इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये परिभाषा है, लिख लो इसे। हम तो समझा ही दिए और अच्छी तरह से आपके लिए। अब मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब हम एक चीज समझना चाहते हैं गणित की एक छोटी सी बारीकी को। अब अगर गौर से देखो, मैं अगर लिखूं कि 10 रुपया में 20 केला, मैं अगर ऐसा लिखता हूं 10 रुपया में 20 केला, चूंकि 10 रुपया में 20 केला इसलिए 1 रुपया में 20/10 केला। अब बता यहां पर ये कौन चीज है, कुल रुपया, और ये कौन चीज है, कुल केला। हमने यहां कुल रुपया लिखा है, ये कौन चीज है, हर, और ये कौन चीज है, अंश। हमने अंश में क्या लिया है, कुल केला, और हर में किसको लिया है, कुल रुपया को। लिखा है कुल रुपया 10 रुपया, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, 1 रुपया में केले की संख्या। यानी जो हर होता है ना, जो हमेशा गणित में याद रखना, जो हर होता है वो हमेशा 1 को दर्शाता है। फिर याद रख, जो हर होता है वो हमेशा 1 को दर्शाता है। अगर आप बताओ, लेकिन हम उसको लिखते जरूर कुल है। अगर मैं लिखता हूं एक्स बाय वाई, इसका क्या मतलब है, ये तो अंश है और ये हर है, इसका मतलब है यहां पर y जरूर है, कुल y है, लेकिन ये दर्शा क्या रहा अपने आप को, 1। इसका मतलब है कि जब y बराबर 1 है तो x बराबर व्हाट, इसका मतलब यही है। तो पता तो हम जिसका मान हम 1 लेंगे उसको क्या करेंगे, हर में रखेंगे या अंश में रखेंगे, उसको हम क्या रखेंगे, हर में रखेंगे। तो बता तो अभी विद्युत धारा के परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, तो या एकांक सेकंड, प्रति सेकंड या एकांक मतलब 1 सेकंड, तभी समय कितना मेरे लिए बात हो रही है, 1 सेकंड समय की बात हो रही है कि किसी और की, 1 सेकंड समय की बात हो रही है। तो जब 1 सेकंड की बात हो रही है, उसको कहां रखेंगे, अंश में या हर में, तो उसे हर में रखेंगे। अब अंश में कौन रहेगा, तो 1 सेकंड में बहने वाला आवेश, तो 1 सेकंड में कौन बह रहा है, आवेश बह रहा है, तो आवेश को कहां रखेंगे, अंश में। और 1 सेकंड मतलब समय कितना, 1 सेकंड, तो समय को कहां रखेंगे, हर में। तो अब बताओ आपके लिए तो एक फॉर्मूला बन गया। अब गौर से देखो कि मेरे पास यहां समय कितना था, 1 सेकंड, और मेरे पास आवेश है, मान लो यहां 1 सेकंड, मैंने कितना समय कितना लिया, 1 सेकंड। तो जब 1 सेकंड लेंगे तो समय को कहां रखेंगे, हर में, और 1 सेकंड में मुझे कौन चाहिए, आवेश चाहिए, तो 1 सेकंड में जो चाहिए उसको हम अंश में रखेंगे। तो अंश में किसको रखेंगे, आवेश को, और 1 सेकंड मुझे समय, 1 सेकंड कौन है, समय है, तो समय को डालेंगे हर में। अब बता हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब क्या पढ़ सकते हैं गणित की भाषा में, कि 1 सेकंड में मिलने वाला कौन चीज, आवेश। तो 1 सेकंड में जब आपके पास जो आवेश मिलेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का परिभाषा कहलाएगा, परिभाषा कहलाएगा, यानी विद्युत धारा का अमाउंट कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा। तो क्या हम इसको अच्छे ढंग से अब ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो, हम लोग इसको अच्छे ढंग से इस तरह से लिख रहे हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं सो देखो, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर आवेश बट्टा समय। ये कौन आवेश है, ये कुल आवेश है, और यहां पर कौन चीज है, कुल समय है। अब बता मुझे, आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि ये तो आई है, आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से, यहां मॉड लगा देंगे n बाय टी।
समय को किससे सूचित करते हैं? टी से। तो बता आपके लिए एक फॉर्मूला आ जाएगा, आई बराबर क्यू बाय टी। ये इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आवेश तो मैं प्लस भी ले सकता हूं या माइनस भी हो सकता है, लेकिन विद्युत धारा हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक धनात्मक मिलेगा। उसका प्लस और माइनस होना उसके बहने की दिशा पर निर्भर, लेकिन उसकी मात्रा जो है, विद्युत धारा की जो मात्रा है, वह आवेश प्लस हो या माइनस हो से कोई उसको लेना देना नहीं है। तो आपके पास यहां इसलिए मैंने मॉड लगा रखा है। अब अगर सिंपल, अगर आप इसको दूसरे बात में ऐसे भी तो समझ सकते थे, अब बताओ एक फॉर्मूला बन गया। अब यहां आवेश का मान रख देंगे, यहां समय रख देंगे, मुझे विद्युत धारा पता चल जाएगी। अब देख ये कौन चीज है इसका एसआई मात्रक, जब हम चर्चा करेंगे, जब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक मेरे पास है कौन चीज, कूलम। और समय का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे पास, सेकंड। अब अगर गौर से देखो तो मेरे पास एक आपके लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर कूलम सी एम बटा सेकेंड। अच्छा आप देखो, हमने तो क्या, अब तो जो परिभाषा हम आसानी से आप एक गणित के रूप में लिख सकते हैं, विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटे समय। यहां समय जरूर हर है, लेकिन ये किसको दर्शाएगा, एक सेकेंड को। जो भी एक, एक जो भी होगा वो किसको दर्शाएगा, हर को। वो किस में रहेगा, हर में रहेगा। अब ये आवेश बटा समय, अब विद्युत धारा को आई से सूचित कर रहे हैं, आवेश को किस से, क्यू से, और समय को टी से। मैंने मॉड इसलिए आवेश में लगाया क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस में है या माइनस में, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने उसको मॉड। अब ये आवेश देख, यहाँ आवेश का ऐसा मात्रक मैं क्या लिख सकता हूँ, कूलम। समय का ऐसा मात्रक क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड। और धारा का ऐसा मात्रक क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर। अब एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर सेकेंड बटा, सॉरी कूलम बटा सेकेंड। अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई गुने टी। अब देख आवेश बराबर आई गुने टी, मतलब अब क्या है कि ये टी सेकेंड में, अगर ये, अगर धारा, अगर ऐसी बात हो जाए कि चलो विद्युत धारा जो है वह 5 घंटे तक प्रवाहित हुई किसी तार से, अगर बात हो जाए कि 5 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो इतने सेकंड में कितना आवेश मुझे मिला, कितना आवेश का प्रवाह हुआ, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, Q बराबर I गुने T। वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सब में ज्यादा से ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल पर, कैसे हम आंकड़िक प्रश्न को बना सकते। आज हमें परिभाषा समझना था, तो मैं आशा करता हूं कि तुम लोग विद्युत धारा की परिभाषा अच्छे से समझ गया होगा, क्योंकि विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू बटे टी। फिर हम लोग इसमें आगे हम लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत सारा कुछ करेंगे। फिर तुम लोग के लिए मैं प्रभात सर फिर तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर, लाइक कर, और इस चैनल को इतना अच्छा बना, मैं जितना तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, व्यू करोगे, शायद मैं तुम्हें उतना अच्छा अच्छा चीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे भी जोश आएगा, और नहीं तो फिर मजा नहीं आता ना, ये सोच लो। अच्छा, कोई जब मजा आएगा तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में